दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका MGV स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। और आज हम मिक्स क्वेश्चन सीरीज लेकर के उपस्थित हैं। आज की हमारी सीरीज नंबर है 14, और इसमें टोटल करंट अफेयर के क्वेश्चन है। ये 2019 के टोटल करंट अफेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जनरल अवेयरनेस के MCQ टाइप के टोटल 30 क्वेश्चन की हम बात करेंगे डिटेल से। तो हमारे पास ये टोटल 30 क्वेश्चन है, तो बने रहे इस वीडियो के साथ में लास्ट तक। लाइक शेयर जरूर करें, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक आपने अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी कर ले, और हाँ अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करना ना भूले, ताकि वो भी ये क्वेश्चन देख सके। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2019 के सभी एग्जाम के लिए, पटवारी, LDC, बैंक, SSC, CGL और अन्य एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और चलते हैं, बात कर लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। आज की सीरीज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में कहा गया कि नेशनल बुक ट्रस्ट का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो ये गोविंद प्रसाद शर्मा को नियुक्त किया गया है, और नेशनल बुक ट्रस्ट का। और अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना 1957 में की गई थी। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड में भारत सरकार ने किस अवधि को अंतर्राष्ट्रीय निर्माण व तकनीकी वर्ष घोषित किया गया है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय निर्माण एवं तकनीकी वर्ष जो भारत सरकार ने घोषित किया है, ये है अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक। अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक जो हम बात कर रहे हैं, ये भारत सरकार द्वारा तकनीकी निर्माण के लिए अवधि घोषित की गई है। और इस तकनीकी अवधि के समय में जो निर्माण की टेक्नोलॉजी होगी, ये एडवांस निर्माण तकनीकी पर फोकस किया जाएगा। एडवांस निर्माण तकनीकी पर फोकस किया जाएगा। और अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की, जो क्वेश्चन नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है। और क्वेश्चन थर्ड में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो ये भगवान लाल साहनी है। भगवान लाल साहनी को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना 123वें संवैधानिक संशोधन 2008 तथा 102वें संशोधन के द्वारा की गई है। और चलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फोर। और क्वेश्चन फोर में किस राज्य ने सिरा पर प्रतिबंध लगाया है, प्रतिबंध लगा दिया गया। तो सिरा एक प्रकार की शराब है, और असम राज्य ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और असम राज्य ने इसमें यहाँ पे बताया कि एक तो गोलघाट और जोरबाग में जहरीली शराब पीने से 158 लोगों की मृत्यु हो गई थी, इसके बाद सिरा पर प्रतिबंध लगाया गया है। और इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव। और क्वेश्चन फाइव में, क्वेश्चन फाइव, शेख अहमद अल फदा अल सबाह को पुणे एशियाई ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कब चुना गया, ये किस देश के सदस्य थे। तो आपको पूछा जा रहा है शेख अहमद अल फदा अल सबा को पुणे एशियाई ओलंपिक के समिति का सदस्य चुना गया है, और ये किस देश के थे। तो यहाँ देश की बात कर रहे हैं, तो ये कुवैत के थे, और एशियाई ओलंपिक समिति का अध्यक्ष शेख अहमद जो चुने गए हैं। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं कि इस समिति का जो मुख्यालय है, ये कुवैत सिटी में है। और इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन सिक्स में अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार अभिलेख किसे नियुक्त किया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार अभिलेख जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये पीवी रमेश को नियुक्त किया गया है, पीवी रमेश को। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन सेवन में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का
नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? भाभा परमाणु अनुसंधान का नया निदेशक अजीत कुमार मोहती को नियुक्त किया गया है। और ये सभी क्वेश्चन 2019 से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर, तो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में लोकसभा में 24 जुलाई 2019 को पारित हुए एंटी टेरर बिल अमेंडमेंट बिल 2019 में से क्या प्रावधान है? तो लोकसभा में जो 24 जुलाई 2019 को बिल पारित हुआ था एंटी टेरर बिल, उसमें ये कहा गया था आतंकी एवं आतंकी संगठन की जो संपत्ति है उसको जब्त हो सकेगी और संगठन के साथ साथ व्यक्ति भी घोषित किए जा सकते हैं आतंकी, कि जिस संगठन को घोषित किया गया है आतंकी तो उसके व्यक्ति होते उनको भी आतंकी ही घोषित किया जाएगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा अलग है, तो इसको थोड़ा सा आगे हम पढ़ेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को सौंपने वाली समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये है डॉक्टर कस्तूरी रंगन जो समिति को सौंपने वाले अध्यक्ष है। और चलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहली विदेश यात्रा किस देश में की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दूसरा कार्यकाल शुरू था उसमें सबसे पहले उन्होंने मालदीप की यात्रा की थी। सबसे पहले वो मालदीप गए थे दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 11, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में निर्मित तटीय निगरानी रडार प्रणाली का उद्घाटन किस देश में किया? तो ये उन्होंने मालदीप में उद्घाटन किया था। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में निर्मित जो तटीय निगरानी रखने वाली रडार है उसका उद्घाटन किस देश में किया था? तो ये उद्घाटन उन्होंने, इस प्रणाली का उद्घाटन मालदीप में किया था। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है और क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन 12 में पूर्वोत्तर भारत का कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने वाला प्रथम दल बन गया है? पूर्वोत्तर भारत का जो राजनीतिक दल है और ये राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने वाला, ये नेशनल पार्टी दल है जो राष्ट्रीय पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने वाला प्रथम दल है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में मालदीप, पहली बार वो मालदीप गए थे और मालदीप के बाद 9 जून को किस नीति के तहत श्रीलंका यात्रा पहुंचे थे? तो उनकी यात्रा थी पड़ोसी प्रथम। तो इसमें हमारे पास दो चार क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे पहले तो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल में दूसरे किस देश गए थे? तो दूसरा देश श्रीलंका था। पहला हमारा मालदीप है, दूसरा देश श्रीलंका है। और श्रीलंका कब गए थे? 9 जून को गए थे। और किस नीति के तहत गए थे? तो इनकी नीति थी पड़ोसी प्रथम। तो यहाँ हमारे 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो नंबर 14। क्वेश्चन 14 में बेहतरवां ड्राफ्टा पुरस्कार 2019 में किस फिल्म को दिया गया? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि बेहतरवां ड्राफ्टा पुरस्कार 2019 से ये रोमा फिल्म को दिया गया था, रोमा को। और रोमा फिल्म का जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है ये रामी मालिक है। रोमा फिल्म का जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रामी मालिक और अभिनेत्री है वो ओलिविया कोलमन है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15, ये सभी 2019 से संबंधित करंट अफेयर के टोटल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर देखते रहे और लाइक करते रहे वीडियो को। और 61वें ग्रैमी पुरस्कार 2019 से रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसको दिया गया था, तो ये अमेरिका को दिया गया था। 61वें ग्रैमी पुरस्कार 2019 में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार अमेरिका को दिया गया था, और ये पुरस्कार अमेरिका को दिया गया था। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में भारतीय अकादमी पुरस्कार 2018 का हिंदी का किस उपन्यास को दिया गया है, तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 हिंदी उपन्यास का जो पुरस्कार था ये चित्रा मुद्रल को दिया गया है। ये हिंदी जो इसमें साहित्य अकादमी 2018 का हिंदी उपन्यास का पुरस्कार है ये चित्रा मुद्रल को दिया गया है, और इसका उपन्यास था पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, जिसके लिए इसको मुद्रा जो को दिया गया है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2019 लाइफ टाइम अवार्ड किसको प्राप्त हुआ है, ये सलीम खान को प्राप्त हुआ है। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2019 लाइफ टाइम अवार्ड सलीम खान को प्राप्त हुआ है। और चलते हैं आगे की ओर, आगे जो क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन 18 में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 किसे प्राप्त हुए है, तो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 राणा दास गुप्ता को प्राप्त हुआ है। राणा दास गुप्ता ने यह प्राप्त किया है। और चलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन 19 में 27वां एकलव्य पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है, तो 27वां एकलव्य पुरस्कार 2019 से ये झोली दलबेरवा, ये महिला वेटलिफ्टर है झोली दलबेरवा, इसको एक 27वां एकलव्य पुरस्कार 2019 प्राप्त हुआ है। और बढ़ते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 में किस रेलवे स्टेशन को स्वच्छ, ये स्वस्थ नहीं है, स्वच्छ रेल भारत सर्वेक्षण 2019 में सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन का पुरस्कार दिया गया है, तो ये है जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर रेलवे स्टेशन को 2019 भारत सर्वेक्षण के अंतर्गत इसको पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है, और दूसरा जोधपुर को, ये भी राजस्थान का है, जोधपुर को प्राप्त हुआ है, पहला जयपुर को और दूसरा जोधपुर रेलवे स्टेशन को। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 21 में आपसे पूछा जा रहा है कि भुवनेश्वर में विश्व कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो ये था 39वें नंबर का भुवनेश्वर विश्व कवि सम्मेलन 39वां था। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जबलपुर मध्य प्रदेश में किया गया था, तो जबलपुर मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया था। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 23। क्वेश्चन 23 में आपसे कहा जा रहा है कि स्वस्थ भारत दिवस 2019, स्वस्थ भारत दिवस 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये अहमदाबाद में किया गया था, और अहमदाबाद गुजरात राज्य में है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट जो आगे, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर साबरमती में एक 150 का सिक्का जारी किया गया था महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पे। और इसी के साथ में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 23 है। और 23 में 21 अक्टूबर 2019 को आजाद हिंद फौज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आजाद हिंद फौज की वर्षगांठ कब मनाई गई थी, तो
ये थी 76वीं वर्षगांठ और ये 21 अक्टूबर 2019 को मनाई गई थी। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 24। क्वेश्चन 24 में किस राज्य ने दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी का ऐलान किया है? तो जिस व्यक्ति के दो से अधिक संतान होने पर राज्य सरकारी नौकरी से वंचित रखेगा उस व्यक्ति को, ये असम राज्य ने घोषणा की है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन 25 में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले में मंत्रालय द्वारा 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच प्रयागराज में किसका आयोजन किया गया है? तो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय द्वारा 1 नवंबर से 2010, और ये 2009 की 19 है, 1 नवंबर से 10 नवंबर 2019 में हुनर हाट की आयोजन किया गया था। 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच हुनर हाट का आयोजन किया गया था केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 26। और क्वेश्चन 26 में 2018 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म इंडस्ट्रीज का ये किसे दिया गया था? तो 2018 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया था और ये 50वां पुरस्कार था। 2018 का दादा साहेब फाल्का जो पुरस्कार है ये अमिताभ बच्चन को प्राप्त हुआ है और ये 50वें नंबर का पुरस्कार था। और इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 2017 का 49वां, जो ये विनोद खन्ना को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था। 2017 में 49वां और विनोद खन्ना को प्राप्त हुआ था और 18 का अमिताभ बच्चन को। चलते हैं आगे, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 में बिहारी पुरस्कार साहित्य 2019 किसको दिया गया? बिहारी पुरस्कार साहित्य 2019 ये आयदान सिंह भाटी को प्राप्त हुआ है। ये आयदान सिंह भाटी को प्राप्त हुआ है और आयदान सिंह भाटी को ये अपने काव्य रचना के, जो कि उनके काव्य संग्रह आंख आंख हीरा हरियल सपना, उनका एक काव्य संग्रह है आंख हीरा हरियल सपना, और ये 29वां बिहारी पुरस्कार था जो आयदान सिंह भाटी को प्राप्त हुआ है। और ये 2019 का था। और 2018 का मनीषा कुलश्रेष्ठ और उसका उपन्यास था सोपन पासा और ये 28वां। तो 29वां आयदान सिंह भाटी को बिहारी पुरस्कार प्राप्त हुआ 2019 में, जो उनकी आंख हीरा हरियल सपना के काव्य संग्रह में मिला है। और 2018 का ये बिहारी पुरस्कार मनीषा कुलश्रेष्ठ को उनके उपन्यास सोपन पासा और 28वें नंबर का ये बिहारी पुरस्कार था। चलते हैं नेक्स्ट, जो क्वेश्चन है 28। क्वेश्चन 28 में भारत रत्न पुरस्कार 2019 किसे प्राप्त हुआ है? भारत रत्न 2019 का पुरस्कार नानाजी देशमुख को प्राप्त हुआ है। और नानाजी देशमुख है वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। नानाजी देशमुख सामाजिक कार्यकर्ता है, उनको भारत रत्न पुरस्कार 2019 प्राप्त हुआ है। और इसी के साथ में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 20, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 किस भारतीय पत्रकार को दिया गया है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 का ये रवीश कुमार, पत्रकार रवीश कुमार को प्राप्त हुआ है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लाइक जरूर करते रहें। और क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 में 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 से किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म को प्राप्त हुआ है? तो 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 और ये हिलोर फिल्म को प्राप्त हुआ है। और ये हिलोर फिल्म है, ये एक गुजराती फिल्म है, हिलोर फिल्म है वो गुजराती फिल्म है। तो दोस्तों धन्यवाद, लाइक शेयर करते रहें और बने रहें हमारे वीडियो के साथ में। तो आज के लिए धन्यवाद।